नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लाखों प्रयास के बाद भी भीलवाड़ा की औद्योगिक इकाइयों द्वारा धड़ल्ले से केमिकल युक्त काला पानी क्षेत्र की नदी नालों में छोड़ा जा रहा है, जिससे क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि बंजर होती जा रही है तथा पशुओं की अकाल मौत का कारण भी यह काला पानी अभिशाप बना हुआ है। इस काले पानी की वजह से लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़े जा रहे काले पानी ने उन स्थानों को दलदल में तब्दील कर दिया है, जिसमें कई जानवर फंसकर अपने प्राण गंवा चुके हैं। बनास नदी के किनारे पर बसने वाले लोगों के हल्क में बनास का पानी नहीं उतर पा रहा है, क्योंकि यह सारा काला पानी बनास नदी में बहकर बीसलपुर तक भी पहुंच रहा है। बीसलपुर का पानी जहां अजमेर व राजधानी जयपुर के बाशिंदों सहित सरकार के नुमाइंदों की प्यास भी बुझा रहा है। यही नहीं, मांडल वेपुर रोड स्थित औद्योगिक इकाइयों का काला पानी भी बनास में कोठारी नदी को दूषित कर रहा है। इस कारण इन नदियों के किनारे पर बसे लोगों को साग सब्जी भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। काले पानी ने यहाँ की उपजाऊ जमीन को अपने आगोश में लेकर बंजर बना दिया है। इसी कारण किसानों की कमर टूट गई है। उनकी खेती लायक जमीन अब बंजर होकर बेकार हो चुकी है। किसी जमाने में बनास नदी के किनारे बसे मंडपिया, कल्याणपुरा, दरी, झुपड़िया व मंगरूप में बनास के पानी से खेती बाड़ी होती थी और नदी में तरबूज व ककड़ी उगाई जाती थी, लेकिन अब इन गांवों के बाशिंदे शुद्ध पानी के अभाव में तरबूज व ककड़ी का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। खेती की जमीन ही नहीं, आसपास के कुओं का पानी भी दूषित हो चुका है। कई बार नदी किनारे बसे गांवों के ग्रामीणों ने प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के समक्ष अपनी नाराजगी लिखित व आंदोलन कर जता चुके हैं। कई सामाजिक संगठनों ने भी एनजीटी तक अपनी आवाज उठाई, लेकिन वो आवाज उद्योगपतियों के दबाव में आकर दब चुकी है। इन सबके बावजूद भी बदस्तूर काला पानी औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़ा जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल भी इन औद्योगिक इकाइयों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी महावीर मेहता ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया। वहीं मंडपिया गांव के ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा लोकवाणी को बताते हुए कहा कि काले पानी की वजह से खेती में पशुपालन नहीं कर पा रहे हैं। भीलवाड़ा के प्राण बनास और कोठारी नदियाँ जो कभी स्वच्छ पानी को लगातार बहती थी, पिछले 10-15 सालों से भीलवाड़ा की प्रोसेस इकाइयों द्वारा लगातार जहरीला काला एसिड वाला पानी छोड़े जाने के कारण दोनों नदियों के किनारे सैकड़ों कुएं जहरीले पानी के भंडार बन गए हैं। वहीं हजारों हेक्टर भूमि बंजर होकर के खेती लायक नहीं रही। वहीं पशु पक्षी अगर इस पानी को पी ले तो गर्भ नहीं ठहरने के साथ साथ उनकी बेमौत मौत हो रही है। अनेक गांव जिसमें आमा, मंगरोब, दर्री, झोंपड़ियां, आसपास के आरजिया, पिछले दिनों आप देखिए कोटड़ी होकर के जो नदी जा रही है नंदराई तक काला पानी भरा पड़ा है। अभी कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में भी आया था। लगातार प्रदूषण नियंत्रण मंडल की घोर लापरवाही और अनदेखी के कारण ये उद्योगपति जो काला पानी छोड़ रहे हैं, जीरो डिस्चार्ज का नियम बना हुआ, यानी एक भी बूंद काला पानी नदी में या बाहर नहीं छोड़ा जा सकता, उसके बाद भी ये लगातार छोड़ रहे हैं, तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल को कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए नियमों के तहत। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली, माननीय आदर्श कुमार जी गोयल को मैंने इस मामले को लेकर के कड़ा पत्र लिखा, एविडेंस दिए, उन्होंने नोटिस भी जारी किया पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जयपुर को। उसके बाद इन्होंने दोनों नदियों के सैंपल भी लिए और कार्रवाई का दिलासा भी दिया है, लेकिन लगातार लापरवाही होने के कारण आज भी काला पानी छोड़ा जा रहा है। तो ये घोर लापरवाही का नतीजा ये होगा कि कभी भी ये प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर तलवार लटकी हुई है। कभी भी इनके बिजली के कनेक्शन कटने के साथ साथ औद्योगिक इकाइयाँ अगर नियमों के तहत नहीं मानेगी, जीरो डिस्चार्ज नहीं करेगी, तो कभी भी इन उद्योगों पर ताला लगने की नौबत भी आ सकती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बावजूद भी भीलवाड़ा के अंदर संचालित होने वाली औद्योगिक इकाइयों से
यहाँ का जो फैक्ट्रियों का जो दूषित पानी है इसको बेधड़क छोड़ा जा रहा है, और उसी की बान की हम यह देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ का जो पूरे झील जलाशय है पूरी तरह से काले पानी से लबरेज हो रहे हैं, और यहाँ की जो जमीन है पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। साथ ही हम यहाँ देख सकते हैं कि पूरी तरह से बंजर होकर पूरी तरह से सफेद हो चुकी है। एनजीटी का जहाँ निर्देश है कि प्रोसेस इकाइयों से एक बूंद भी पानी बिना रिसाइकिलिंग के बाहर नहीं जाना है, लेकिन उसके बावजूद भीलवाड़ा में संचालित होने वाली औद्योगिक इकाइयों से रात दिन चोरी छुपे हजारों लीटर पानी बाहर फैक्ट्रियों से छोड़ा जा रहा है, जिससे यहाँ बहने वाली मुख्य नदियाँ चाहे कोठारी नदी हो चाहे बनास नदी हो, इससे यहाँ का पानी दूषित हो रहा है। साथ ही बनास नदी और कोठारी नदी का पानी आगे जाकर बिसलपुर डैम में मिलता है और जहाँ से पेयजल की आपूर्ति होती है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो बनास नदी के किनारे करीब 2 दर्जन गांव हैं, जो जैसे कि मंगरोप, कल्याणपुरा, दर्री, झोंपड़ियाँ और पातलिया सहित कई गांवों का पानी पीने योग्य नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर केवल फौरी कार्रवाई की जाती है। साथ ही यहाँ का जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल है उसकी मिलीभगत सामने आती है, जिसकी वजह से दिन रात यहाँ काला पानी छोड़ा जाता है। हम देख सकते हैं कि इसी वजह से यहाँ के मवेशी अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, वहीं यहाँ पीने के पानी तक के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन जो संबंधित विभाग है उनके कानों पर जूं नहीं तक नहीं रेंग रही। कई बार किसान संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बारे में आवाज भी उठाई है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है, और लगातार प्रोसेस इकाइयाँ जो कि चित्तौड़ रोड, मांडल रोड और पुर रोड पर जो संचालित है उनसे लगातार दूषित पानी छोड़ा जा रहा है। मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।